अध्याय 11 श्लोक संख्या 48 न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा साक्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थ न कभी नहीं वेद यज्ञ यज्ञ द्वारा अध्ययना या वेदों के अध्ययन से न कभी नहीं दानई दान के द्वारा न कभी नहीं च भी क्रिया भी पुण्य कर्मों से न कभी नहीं तपो भी तपस्या के द्वारा उग्रई कठोर एवं रूप इस रूप में साक्य समर्थ अहम मैं नृलोके इस भौतिक जगत में द्रष्टुम देखे जाने में त्वत तुम्हारे अतिरिक्त अन्येन अन्य के द्वारा कुरु प्रवीर कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ। अनुवाद हे कुरु श्रेष्ठ तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा।